आर्टिस्ट महेश वैष्णवी लोग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे आशा करता हूँ। दोस्तों, मैं जो भी अपने विचार व्यक्त करता हूँ, मेरे एक आम आदमी के विचार हैं और किसी को ठेस पहुँचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और ये नहीं है कि किसी धर्म विषय धर्म के लिए पक्ष लेना या विपक्ष में बोलना नहीं, जो सत्य है वो बोलने की कोशिश करता हूँ कि एक आम आदमी के मन में क्या फीलिंग है, क्या सोचता है, वो जो चल रहा है राजनीतिक में या देश में, जो भी धर्म या धर्म जो भी चल रहा है, तो उसके हिसाब से एक आम आदमी को क्या फीलिंग होती है, क्या विचार होते हैं, वो मैं व्यक्त करता हूँ। अभी पिछली बार मैंने केजरीवाल का वीडियो बनाया था, तो किसी ने व्यूअर ने लिखा कि क्या बीजेपी में कोई ऐसा भ्रष्ट नहीं है, उसके लिए तुम नहीं बोलते हो। तो मैंने उनको वापस रिटर्न में अनुरोध किया कि आप बताएं कि भ्रष्ट है या कोई सबूत बताएं, तो फिर मैं उनके लिए बोलूँगा, क्योंकि जो बिना आधार के तो मैं किसी के लिए कोई बात नहीं कर सकता हूँ। ये मैं मानता हूँ कि हर पार्टी में भ्रष्ट होते हैं। अब रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल की बेशर्मी देखो कि वो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, 10 दिन का रिमांड दिया, 9 तारीख तक ईडी की हिरासत में है, उसके बाद भी उसके रिफंड में खड़े हुए हैं। केजरीवाल कहते हैं कि सत्येंद्र जैन बहुत इनोसेंट है, बहुत मतलब अच्छा काम किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बहुत उनको क्या पद्मश्री मिलना चाहिए, ये केजरीवाल के विचार हैं। केजरीवाल बोलते हैं कि फंसाया है, हम तो भगत सिंह के को फॉलो करने वाले हैं। मतलब नाटक इतना है इनका, इतना झूठ बोलते हैं कि उसका कोई सीमा ही नहीं है। इन्हीं सत्येंद्र जैन ने 200 बीघा जमीन ली जो रेगुलर कॉलोनी नहीं है उसके पास में, और यही जानते थे इन्हीं को करना है रेगुलर, तो इन्होंने उस कॉलोनी जो रेगुलर कॉलोनी नहीं है उसको रेगुलर किया और उस ज़मीन की कीमतें बढ़ गई। तो इन्होंने भ्रष्टाचार हर स्तर पर किया है, ये तो बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड है कि इसके ऊपर कैसे सत्येंद्र जैन पे चलना चाहिए कि 200 बीघा जमीन ली उसी जगह क्यों ली कि आप रेगुलर करने वाले थे। तो इसके लिए भी किसी न किसी को पिटीशन लगानी चाहिए, जनहित याचिका लगाना चाहिए कि उसकी जांच होनी चाहिए। अब रही बात मनी लॉन्ड्रिंग केस की, तो इन्होंने इनका केजरीवाल का कहना है कि ये 2013 में ये कंपनियाँ बंद कर दी थी जो कलकत्ता में है। तो कंपनियां बंद कर दी तो 2013 में बंद कर दी, तो 16 में खुद सत्येंद्र जैन ने माना कि जो 16 करोड़ है 39 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा जो पैसा है, तो ये मेरा एक्स्ट्रा पैसा है, मैं इसका टैक्स देने के लिए तैयार हूँ, वो खुद कबूल किया था। उस पर उन्होंने सोचा कि सिर्फ इनकम टैक्स लग जाएगा छूट जाएगा, पर वो हवाला का पैसा था, वो कहाँ से आया बताना पड़ेगा। 4-4.5 करोड़ का एक केस अलग है, इन्हीं सब केसों के लिए उसको सत्येंद्र जैन को जेल में किया। केजरीवाल जी, आपने तो ये तोमर के लिए भी बोला था, जो कानून मंत्री बनाया था उसके लिए बोला था कि मैंने खुद ने देखी, हमारा खुद का एक संविधान है, हम खुद चेक करते हैं कौन मतलब भ्रष्टाचारी तो नहीं है, कोई सच गलत जो भी है तो उसकी डिग्रियां मैंने खुद ने देखी, सब सही है और बीजेपी वाले फंसा रहे हैं, हम तो भगत सिंह के मानने, उस टाइम भी आप भगत सिंह के मानने वाले ही थे। तो उसकी जब जांच हुई कानून मंत्री की तोमर की, तो उसने बताया कि मैं अयोध्या से डिग्री ली, अयोध्या में गए तो वहाँ पर जो उसको बोला कि चल तू यह बाथरूम भी बता दे बाथरूम कहाँ जाते, तो उसको ये नहीं पता चला कि बाथरूम कहाँ जाते, अगर वो डिग्री फर्जी निकली उस टाइम। फिर मुँह छुपा लिया केजरीवाल जी, आप मतलब इतना इनोसेंट हो, इतना सच बनने की कोशिश करते हैं, पर आप इतने ईमानदार है नहीं, सच है नहीं। अगर ऐसा होता तो अभी क्या चाहिए था कि जैसे स्वास्थ्य मंत्री, आपने लोगों को दिखाने की कोशिश की कि पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री है वो एकदम मतलब उसको रिश्वत लेते हुए और मांग करते हुए गया, तो खुद ही पुलिस बुलाई, खुद ही उसको बर्खास्त किया, तो इसमें क्या सांप सूंघिया आपको? आपके सामने सारे सबूत सब कुछ है और आके टीवी में आप डिफेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं और उनकी वाइफ को बच्चे को सांत्वना दे रहे, नहीं नहीं भाभी जी आपके ऊपर क्या गुजर रही है, बच्चे आप टेंशन मत लेना, आपके पिताजी इनोसेंट है। अरे इनोसेंट है या नहीं ये तो जज फैसला करेंगे, केजरीवाल तुम थोड़ी फैसला करोगे क्या? जब जांच चल रही है, रिमांड पे है आदमी, फिर उसको बर्खास्त करने के बजाय उसके पक्ष में पूरी पार्टी खड़ी हो रही है,
और वह संजय सिंह बोलता है कि नहीं, तुम्हारा तो कश्मीर पे ध्यान नहीं है, तुम्हारा और किसी जो दूसरे काम चल रहे हैं उस पे ध्यान नहीं है, कश्मीर में मारे जा रहे लोग। अब कश्मीर का संजय सिंह और केजरीवाल ने सबको ध्यान आ रहा है, जबकि यही केजरीवाल है जो कश्मीर फाइल का विरोध कर रहा था, हंसी उड़ा रहा था कश्मीरों के बलिदान की, जो कश्मीरों का कत्लेआम किया उसकी हंसी उड़ा रहे थे केजरीवाल। और इन इस ये कुमार विश्वास ने खुद बताया कि खालिस्तान वाले के से संबंध है, इन्होंने जो पंजाब की सत्ता पाई है खालिस्तानों से साथ मिल के पाई है, उनके साथ में इन्होंने साठगांठ किए और उन्हीं के पैसे से ये इन्होंने चुनाव लड़ा है। और जिस तरह से केजरीवाल पक्ष ले रहे हैं तो दाल में काला काला ही नहीं, पूरी दाल काली है, क्योंकि केजरीवाल को भी मतलब त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर ये झूठा साबित हुआ तो केजरीवाल का इस्तीफा लेना चाहिए और देना ही पड़ेगा, इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी भी जाएगी, मुख्यमंत्री को निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आपने पंजाब में दिखाया कि बहुत बढ़िया है कि चलो ठीक है बहुत ईमानदार सरकार है, तो अब ये यहाँ पे यह ईमानदारी सामने आई। ये केजरीवाल, तुमको बता रहा हूँ कि ये तुम्हारा माइनस पॉइंट होगा, अगर इससे तुम्हारी पार्टी है ना पतन में के गलत में चली जाएगी। अगर जो सही है उसको सही बोलना, अगर तुम पंजाब में जिस तरह से तुमने मिसाल पेश की, यहाँ पे मिसाल देना चाहिए कि चलो इतना तो कर ही सकते थे कि सत्यंजन को आप रख लेते, त्याग पत्र ले लेते, फिर जब वो इनोसेंट साबित होता अगर आपके कहे मुताबिक तो फिर मंत्री पद दे देते, उसमें क्या दिक्कत थी। तो नहीं, आपको तो बस ओछी और गंदी राजनीति करनी है। केजरीवाल जी जो शुरू में जो स्टार्ट में ही आपने बोला था न मैं मकान लेऊंगा न मैं सिक्योरिटी लेऊंगा, अब तुमने मकान भी लिया, सिक्योरिटी भी ली, सारी सुख सुविधा भी ली, और आपके घर में जो 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बन रहा है, ये क्या ये जनता के पैसे से तो बन रहा है, तो इतने इनोसेंट बनने की कोशिश क्यों की। अगर आप इनोसेंट नहीं हो जो हो वो दिखाते, अब आपने सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के वोट लिया है, दिल्ली की जनता को ठगा है। और ये जनता आप समझ चुकी है कि आपके दो मुंह हैं, एक मुंह तो जो सामने नजर नहीं आता और एक वो लोगों के सामने ऐसे करते हो कि नहीं आप तो आपसे बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं है, आपसे बड़ा ईमानदार नहीं है, आपसे बड़ा जनता की सेवा करने वाला नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि भाई आप मतलब सही से मतलब सरकार चला रहे हो या कोई कार्रवाई कर रहे हो या कोई इनोसेंट आदमी हो। पहले तो स्टार्ट से आके पहले मोदी जी नहीं करने दे रहे, मोदी जी नहीं करने दे रहे, हर बात में मोदी जी नहीं करने देखे। फिर लोगों ने आपको समझाया कि मोदी जी का नाम लेके अपनी जवाबदारी से मत बचो, तब जाके मोदी जी का नाम लेना बंद किया है। आप तो वही है ना कि भाई जो मोदी जी ने या इंडियन सेना ने जो कार्रवाई की थी, दो दो बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस पर सवाल उठाया था आपने। आप ही का उदाहरण लेके आप पाकिस्तान के हीरो बन गए, आप यहाँ देश के हीरो नहीं है, हिंदुस्तान के हीरो नहीं है, आप पाकिस्तान के हीरो, क्योंकि हमेशा देश के खिलाफ बात किए। और ये निश्चित तौर पे है कि अगर ये सब सच्चाई अगर सामने आएगी तो आपको अपनी कुर्सी से त्याग पत्र देना पड़ेगा, आपकी कुर्सी जाएगी और लोग भी समझ चुके हैं आपको अगले चुनाव में भी ये जनता सबक सिखाएगी। तो दोस्तों, ये मेरे जैसे दिल के विचार है और मेरा अपने निजी राय है। अब जैसे कहीं ना कहीं मतलब बुरा लगता है जो गलत हो रहा है, तो उसके लिए दिल में होता है कि भाई कुछ ना कुछ आवाज उठाने चाहिए। और मेरे को जो भी कमेंट्स कर रहे हैं तो वो भी अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, आप अपना वीडियो बना के आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, क्योंकि हम गलत के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो फिर कोई भी उसका पक्ष नहीं लेगा, गलत को गलत होता ही रहेगा और वो फिर सही नहीं हो सकता है। भाई गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो गलत करते ही रहेंगे, तो गलत के लिए हमको आवाज़ उठानी है। और इन्हीं विचारों से मेरे अगर आप सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही और वीडियो में। जय हिंद।